Dear learner, welcome to the Samad Academy, one-stop e-learning platform for accounts, GST, taxation, TDS, tally, etc. So the topic is process of GSTR 3B return. GSTR 3B return हम कैसे फाइल कर सकते हैं? उसकी डिटेल एनालिसिस विद अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिटर्न्स कितने हैं आज के दिन जो एक रेगुलर डीलर है दैट इज जीएसटी रेगुलर डीलर वो कौन कौन से रिटर्न फाइल करते हैं ये चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है बट एक क्विक रिविजन के तौर पर जीएसटी है तो क्वार्टरली हमें जहाँ पे हमें सारे आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस के इनवाइसिस पोर्टल पे अपलोड करने होते हैं बेस्ड ऑन दैट जैसे ही हम जीएसटी आर वन फाइल करते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे दट इज आफ्टर इलेवन जीएसटी आर टू ए रिपोर्ट जनरेट हो जाती है दी एस टी आर टू ए रिपोर्ट इज समथिंग लाइक आपने जो भी अपने डीलर से परचेज किए होंगे आपने जितने भी किए होंगे, वो सारे के सारे के आपको आपके जीएसटी पोर्टल पे रिफ्लेक्ट करते हैं जीएसटी आर टू रिटर्न होता था कि बेस्ड ऑन जी एस टी आर टू वे आपको रिकनसाइल करना होता था कि आपका रिटर्न

जीएसटी आर टू ए कोई रिटर्न नहीं है इसलिए यहाँ पे स्ट्राइक आउट किया हुआ है जीएसटी आर वन ए भी इस टाइम पे यूज नहीं होता है इसलिए भी इसको यहाँ पे हमने स्ट्राइक आउट किया हुआ है एंड बेस्ड ऑन जीएसटी आर वन आप जो भी जीएसटी आर वन फाइल कर देते हो इज आपकी लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो बेस्ड ऑन दैट आपका आपको डेटा प्रिपेयर करना है दैट इज रिटर्न अलॉन्ग लायबिलिटी दैट इज जीएसटी आर थ्री बी हर महीने के बीस तारीख को आपको थ्री बी रिटर्न फाइल करना है अब यहाँ पे मैं ट्वेंटी एथ कह रहा हूँ माइट बी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए एक दो दिन का गैप हो सकता है किसी के लिए ट्वेंटी सेकेंड हो सकता है बिकॉज बिकॉज सर्वर पे काफी लोड पड़ता था बीच में क्या हुआ कि अगर आप सर्वर uh, पे रिटर्न फाइल करना चाहते हो लास्ट डे पे तो वहां पे सारे लोग लास्ट डे पे ही रिटर्न फाइल करते थे और ऐसे केसेस में क्या होता था कि अगर आपका जो लोड दैट इज नंबर ऑफ विस्टर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड के अब उस पोर्टल पे होते थे तो आप पोर्टल पे लॉग नहीं कर सकते थे पोर्टल पे आप विजिट नहीं कर सकते तो इसको ध्यान में रखते हुए लोड को अवॉइड करने के लिए अब डिफरेंट डिफरेंट डेट अलोकेट किया हुआ है स्टेट वाइज बट मैं एज कॉमन डेट के तौर पे आपको ट्वेंटी का ही डेट दिखाऊंगा जी एस टी रिटर्न फाइलिंग कैसे करेंगे वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आप किसी भी सॉफ्टवेयर से फाइल कर सकते हो चाहे वो टैली हो गया या फिर बिजी हो गया जोहो हो गया मार्ग हो गया उद्योग हो गया या फिर अगर आप मैनुअल प्रिपेयर करते हो तो मैनुअल किसी भी तरीके से रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी है वो सारी डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जीएसटीआर काइंड ऑफ नोटिस अगर आप रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते हो तो आपको एक नोटिस आती है एज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर नोटिस कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है ड्यू डेट ओवर हो चुका है थ्री ए नोटिस आने के विद इन फिफ्टीन डेज के अंदर आपको रिटर्न फाइल करना होता है टेशन एंड हम कोविड के भी सिचुएशन चल रही है तो इस केसेज में जीएसटी आर नाइन का जो एनुअल ड्यूट फॉल्ट ड्यू डेट होता है वो पोस्टपोन हो चुका है बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस हमें इतना याद रखना है कि हमें जीएसटी आर वन फाइल करनी है हमें जीएसटी आर टू है जीएसटी आर टू पर रिकनसलेशन करना है एंड मंथली हमें जीएसटी आर थ्री बी फाइल करनी है जहां पे हमारी टैक्स लाइबिलिटी हमें क्लोज करनी दैट इज डिस्क्लोज करके पे करनी है तो हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम जीएसटी आर थ्री बी फाइल कैसे करें व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी शुड टेक केयर बिफोर फाइलिंग आर जी एस आर थ्री बी जीएसटी आर थ्री बी फाइलिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि यस अगर मैं जीएसटी आर थ्री बी फाइल करने जा रहा हूं तो दीज आर इंपॉर्टेंट पहले मुझे ये सारे पॉइंट्स मेरे कवर होने चाहिए जैसे कि ऑल प्रिवियस जीएसटी आर थ्री बी रिटर्न फाइल्ड अगर मुझे नवंबर की फाइलिंग करनी है तो मेक श्योर कि पुराने सारे के सारे थ्री बी रिटर्न फाइल हो चुके हैं वैसे भी सिस्टम आपको थ्री बी नेक्स्ट फाइल नहीं करने देगा अगर किसी पिछले महीने का थ्री बी आपने फाइल नहीं किया है तो आप अगले महीने का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो 3B में सिमिलर वे जीएसटीआर वन भी आपको प्रॉपर तरीके से फाइल करनी है बिकॉज़ जीएसटीआर वन आप फाइल करते हो अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है लेटेस्ट में दैट इज नवंबर 2020 से हुआ क्या कि आप जो भी जीएसटीआर वन फाइल करते हो वो जीएसटीआर वन की लायबिलिटी आपको जीएसटीआर 3B के रिपोर्ट में दिखाई देती है तो आपका जीएसटीआर 1 जो भी फाइल करोगे 3B में रिफ्लेक्ट करेगा इसलिए फाइल करने से पहले मेक sure श्योर आपने जीएसटीआर वन फाइल कर दिया है जीएसटीआर जीएसटीआर एंड आपने कर ली है ये, ये चीज तो हमने पहले ही कवर कर लिया है कि जीएसटीआर आर टू एंड जीएसटीआर आर टू बी रिकनसलेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसमें क्राइटेरिया क्या कहता है और रिकनसलेशन कैसे करते हैं इसे भी हमने डिस्कस कर लिया है ऑल द वर्किंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रिलेटेड एंड इनवर्ड सारिएसटी आपने या भी, मेक कि आप अपने डेटा को सॉफ्टवेयर यूज करो उस डेटा को लॉक कर दोनि अक्टूबर का डेटा मेरा हो गया सारा का सारा तो आई विल मेक कि मैं डेटा को लॉक कर दू सो दे कि डेटा में कोई भी करेक्शन ना कर बिकॉज होगा क्या कि अगर आज के दिन में अगर कोई रिटर्न फाइल कर देता हूं और मेरे यूजर ने गलती से कोई डेटा में पुराना चेंज कर दिया तो मेरा रिटर्न और मेरा डेटा मिसमैच में चला जाएगा सो इट इज मेक श्योर कि आपका सारा का सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है चाहे वो इनवर्ड से हो चाहे आउटवर्ड से हो चाहे आपके परचेस दैट तो इज आरसीएम केसेस के के की के एंट्री हो चाहे आपका एडवांस टैक्स लाइब्रेटरी की एंट्री हो सारे के सारी एंट्रीज आपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर लिया अगर रिकॉर्ड कर ली है प्रॉपर तरीके से हो चुका है Now you can move towards filing GSTR 3B यानी preparation of GSTR 3B rule 36(4) 4 की working आपने accordingly perform कर ली जब GSTR 2A GSTR 2B की working की तो आपने rule 36(4) 4 को भी follow किया है कि maximum ITC कितना हम claim कर सकते हैं। So these all are points जो कि अगर हमने cover कर लिया है तो we are ready to prepare our GSTR 3B। तो इसमें जितने भी points चाहे वो GSTR 2A 2B की बात हो reconciliation की बात हो 36-4 rule की बात हो तो ये चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस टॉपिक में कवर कर ली है तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे थ्री बी फाइल कैसे करना है थ्री बी रिटर्न कैसे करना है सो दीज आर द स्टेप्स जो हमें थ्री बी फाइल करने से पहले मेक मिक्स्योर sure करने होंगे मैं टेबल की बात करूं जीएसटी आर थ्री बी टेबल की बात करूं तो ये टेबल है टेबल बेसिकली थ्री पॉइंट वन जीएसटी आर थ्री बी अगर आप ओपन करते हो उसमें थ्री पॉइंट वन टेबल दैट कंटेन आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई तो 3.1 मतलब होता है ऐसे सप्लाई चाहे वो आउटवर्ड हो चाहे वो इनवर्ड हो जहां पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है इनवर्ड के रिवर्सम आउटवर्ड केस में आपने सेल्स किया है तो ऐसे केस में जहां पर भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो सारी की सारी समरी बेस पर आप डिक्लेयर करो अंडर टेबल नंबर थ्री पॉइंट वन दैट इज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई टैक्सेबल जीरो उटवोर्ट सप्लाई ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको टेबल नंबर थ्री पॉइंट वन में डिक्लेयर करने हैं कैसे करने वो लाइव हम देखने वाले थोड़ी देर में फिर आता है टेबल नंबर थ्री पॉइंट टू यहां पे डिक्लेयर क्या करना है कि ऐसा सप्लाई दैट इज सिंपल लैंग्वेज में सेल्स ऐसा सेल्स जो कि आपने किया है किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को वो अनरजिस्टर्ड पार्टी हो सकता है कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन हो यूआईएन हो या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो साथ साथ में वो आपके स्टेट का नहीं वो आपके दूसरे स्टेट का बिलोंग करता हो इट मीन्स सेल मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिट टैक्सेबल पर्सन यू आई एन होल्डर हु बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट अगर आपका स्टेट महाराष्ट्र है तो वो डेफिनेटली महाराष्ट्र का नहीं किसी और स्टेट का होना चाहिए तो वो चीजें यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी होंगी तो ये इन द सेंस करना क्या है ये ये जो टैग 3.2 का टेबल है 3.2 का टेबल इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ बी टू सी इंटरस्टेट सप्लाई बी टू सी इंटरस्टेट सप्लाई कंपोजिट की बात कर रहा हूं मैं इससे पता ये चलता है कि आपने किस स्टेट को सेल किया है जहां पे आपका जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है और उस पर्टिकुलर स्टेट को उसका टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए तो ये आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है तो 3.2 में अगर मैं कोई डेटा डिक्लेयर करता हूं तो क्या ये 3.1 का ही पार्ट है बिल्कुल 3.2 में जो भी आप डेटा डिक्लेयर करते हो ये सारा का सारा बाय डिफॉल्ट 3.1 का ही एक पार्ट होता है 3.1 में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 3.2 में भी अमाउंट दिख रहा है और थ्री में भी अमाउंट दिख रहा है बिल्कुल थ्री इज एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी उस एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी में से कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट यहां पे डिक्लेयर करनी है हालांकि इससे आपके लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा dual -dual नहीं, नहीं। आप कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन की आप डिक्लेरेशन कितना दे रहे हो इसमें से आपने कितना सेल किया है टू तो रिस्पेक्टेड पार्टी तो थ्री पॉइंट टू की बात हो गई टेबल नंबर फोर जो कहता है वो है आपका एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द गिवन मंथ यानी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका कितना इनपुट टैक्स बनता है चाहे वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का हो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो आरसीएम हो इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आई टोटल आई टी रिवर्स कितना किया एज पर रूल तो आपको नेट आईटीसी कितना मिलता है उसमें से इन एलिजिबल आई कितना है जिसको जिसका आईटीसी आप नहीं मिल सकता है आईटीसी रिवर्स इन द सेंस आईटीसी आपने क्लेम कर लिया था लेकिन आपको रिवर्स करना होगा इन एलिजिबल आई मतलब वो आई आपको मिल ही नहीं सकता जैसे कि फूड एंड रेस्टोरेंट के आई आप क्लेम नहीं कर सकते तो वो रिवर्स करना है सो so, ये टेबल है जहाँ पे आपको इनपुट टैक्स यानी कि आपके पोस्टेज पे आपने कितना टैक्स पे किया है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है टेबल नंबर फाइव आता है वैल्यू ऑफ एक्ज ने रिलेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ट सप्लाई ऐसे परचेस ऐसे एक्सपेंसेस जो एग्जेमटेड है ने रिलेटेड है जीएसटी रिलेटेड नहीं है तो वो भी डिक्लेयर करना है

और यही चीजें वहां पे कैसे फिलअप हुई हैं और डेटा कैसे प्रिपेयर करना वही चीजें तो टैली में ये रहा टैली मैंने डेटा एंट्री रिकॉर्ड की है और यही डेटा में आपको जीएसटी आर थ्री रिटर्न में अपलोड कैसे करना है कैसे प्रिपेयर करना है वो हम करके देखेंगे तो टैली में जीएसटीआर थ्री बी अगर आपने डेटा प्रिपेयर कर लिया तो मेक श्योर की डेटा आप लॉक कर लो आपने समझ लो कि ग्रेटर लॉक कर दिया है आप जीएसटीआर थ्री बी ओपन करते हैं तो टैली प्राइम में आप डायरेक्टली गो टू से भी कर सकते हो अगर आपको गो टू की आदत नहीं है तो डिस्प्ले स्टैच रिपोर्ट जीएसटीआर थ्री बी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई मैं एग्जाम्पल के तौर पर जुलाई ले रहा हूं यह है आपका जीएसटीआर थ्री बी का डिफॉल्ट व्यू डिफॉल्ट व्यू में इसलिए कह रहा हूं कि ये ट्री भी कुछ इस तरीके से दिखेगा आप इसको चाहो तो यहाँ पे डिटेल वाइज भी कर सकते हो टैली आर पी नाइन में ऑप्शन आता है डिटेल का लेकिन यहाँ पर F5 के अंदर में ऑप्शन दिया हुआ ऑल्ट एफ फाइव डिटेल थ्री पॉइंट वन के टेबल जहां पे आपके टैक्स लाइबिलिटी रिलेटेड है थ्री पॉइंट वन में जो पहला टेबल है दैट इज आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड नील रेटेड एक्जेड आपने कितने सेल किए जहां पर टैक्स आपने कलेक्ट किया है जो कि नॉर्मल टैक्स बी टू बी है टैक्सेबल अमाउंट पार्ट ऑफ आई जी एस टी सी जी एस टी एस जी एस टी अगर किसी तरह का कोई सेस अमाउंट है तो सेस अमाउंट mm. आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड आपने ऐसे कितने सेल किए हैं जो कि एक्सपोर्ट होंगे आपने सेल किए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो यहाँ पे जीरो रेटेड में वो फिगर आते हैं जो आपने एक्सपोर्ट किया है चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो चाहे वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को सेल किया चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो लेकिन वो चाहे टैक्सेबल हो चाहे नॉन टैक्सेबल हो आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है उसकी यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी एंट्री आ जाती है अब आप कहोगे कि परवेज अगर हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो ये डेटा हमारा टेबल फिल नहीं होता ऑटोमेटिकली सी फिल नहीं होता जस्ट बिकॉज कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम यहां पे नहीं कि आपने एंट्री गलत रिकॉर्ड की है कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम जस्ट एक सिंपल सा है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है सिस्टम का प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ है हो सकता है आपने लेजर का कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर नहीं किया रहेगा तो नहीं आएगा सो देर आर मल्टीपल केसेस मल्टीपल चीजें हो सकती है सो so, ये हो गया आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड आपने कितना सप्लाई किया जिसपे नील रिलेटेड टैक्स था जो एग्जेपेड था ये भी आपका यहां तो कितना ऐसा परचेस किया है जिस केस में आपको रिवर्स चार्ज पे पे करना है। वो पर आ जाता है फिर बात आती है नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई जो कि जीएसटी में कवर्ड ही नहीं है फाइन 3.2, 3.2 में सी सप्लाई मेड टू अन ऐसे कितने सप्लाई है जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है तो यानी कि याद रखना ये जो फिगर है ये वाला ऑलरेडी इसमें कवर होता है दैट इज पॉइंट नंबर ए में थ्री पॉइंट वन के ए में जैसे कि अगर आपको देखना चाहो तो मैं इसको ड्रिल डाउन करता हूं एक सेल है गोवा गोवा में सेल किया हुआ है पार्टी का नाम है रमेश सिंह सेल की फिगर वाउचर नंबर फोर टैक्सेबल अमाउंट सेवन थाउजेंड आई वन टू सिक्स जीरो अब यही फिगर मैं आपको दिखाता हूँ थ्री पॉइंट वन के टेबल नंबर ए में पार्टी नेम रमेश सिंह सेल वाउचर नंबर फोर टैक्सेबल फिगर सेवन थाउजेंड वन टू सिक्स जीरो तो इससे आपकी जो 3.1 से ये आपकी लाइबिलिटी है 3.1 जो आपका वो लाइबिलिटी है 3.2 इज जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ 3.1 तो 3.2 से आपकी कोई एडिशनल लाइबिलिटी जनरेट नहीं होती बस एक डिक्लेरेशन पार्ट है जो कि आपको सबमिट करना होता है पॉइंट नंबर एलिजिबल आई टी सी टोटल आई टी सी आपको दट इज आई जी एस टी सी जीएसटी एन एस जीएसटी रिस्पेक्टिवली इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स कितना मिल रहा है आपको इम्पोर्ट ऑफ सर्विस है तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे कितना इनपुट टैक्स मिला आपको

पार्ट है एंट्री दट इज जी एस टी मैनेजमेंट इन टैली आर पी नाइन एंड टैली प्राइम वो उसका पार्ट है तो वो चीजें हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए हमारा डिफॉल्ट एक अलग कोर्स अवेलेबल है आप वहां पर जाके उसको एनरोल करके पूरा डिटेल में सीख सकते हाँ बट जो एंट्रीज हैं दैट इज रिलेटेड बिफोर फाइलिंग जी एस टी वो हम डेफिनेटली यहाँ पे कवर करेंगे तो वो एंट्रीज क्या क्या होंगे बिफोर फाइलिंग कैसे हमें वो आइडेंटिफाई करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये तो हमने 3.1, 3.2, 4, दैट थ्री पॉइंट टू फोर नंबर फाइव एंड इंटरेस्ट एंड लैबिलिटी ये ये पार्ट है दैट इज जी एस टी आर थ्री बी रिटर्न के अब लेकिन रिटर्न फाइलिंग करने से पहले जीएसटी आर थ्री बी फाइलिंग करने से पहले कुछ एंट्रीज हैं दैट इज क्लोजर क्लोजर ऑफ थ्री बी रिटर्न यानी कि थ्री बी रिटर्न फाइलिंग करने से पहले कुछ क्लोजर एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं वो क्लोजर एंट्रीज क्या क्या है वो हम चलिए वो यहां पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले अगर आप थ्री बी रिटर्न दैट इज राइट यहाँ पे नंबर ऑफ डायरेक्ट इंप्लीकेशन एंट्रीज फाइन जीरो बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वो कहलाता है एंट्रीज जिसमें कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो प्रॉब्लम्स एंट्रीज के जीएसटी रिलेटेड हो सकता है अमाउंट रिलेटेड हो सकता है एनीथिंग रिलेटेड हो सकता है फाइन फर्स्ट स्टेप कि जीरो होना चाहिए ये हमारा स्टेप है ओके okay, जीरो है वी कैन मूव अहेड देन हमें बात करते हैं कि 3.1 को जब स्टडी करते हैं हम 3.1 को तो 3.1 में स्टडी करने के टाइम हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे हमारी इनवर्ड इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज है अगर आप इसे ड्रिल डाउन करोगे तो ये कुछ एंट्रीज एंट्री रिवर्स चार्जेस के तो यहां से हमारी लैबिलिटी जनरेट हो रही है तो सवाल ये आता है तो क्या इसकी लैबिलिटी हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया क्या इसकी एंट्री हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर ली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की या नहीं की वो हमें करना होगा डेफिनेटली वो कहाँ पे चेक कर सकते हो वो चेक कर सकते हो यहाँ पे आप स्क्रोल डाउन कर लो सबसे नीचे चले जाओ बिल्कुल नीचे तो यहां पर ऑप्शन आता है रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाई यानी कि ऐसे केसेस विद इन इंडिया जिसपे आपने एक्सपेंस किया है परचेस किया है और वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना बनता है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको हमने ओपन कर दिया है तो ये एंट्री है सिंघानिया एडवोकेट फॉर्म परचेस है रिवर्स चार्ज नंबर एंट्री नंबर वन डेट टैक्सेबल अमाउंट सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी नहीं है तो यहां पे नीचे अगर आप टेबल देख सकते हो तो यहां पे आपका दिखा रहा है कि इस केस में सी जी एस टी और एस जी एस टी अपीकेबल है टैक्स लाइबिलिटी बनती है फाइव एट फाइव जीरो फाइव एट फाइव जीरो रिस्पेक्टिवली लेकिन आपने अभी तक इसकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं की है यानी में अभी अभी तक तक आपने इसकी नहीं की है 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 तो तो पूरी करनी बाकी कहने का मतलब सिस्टम ने तो आपको रिपोर्ट दिखा दिया टैली से हमने रिपोर्ट देख लिया तो लेकिन हमारी ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें इसकी लाइब्रेटी तो बुक्स में रेस करनी होगी तो आरसीएम रिवर्स चार्ज केस में हमें लाइविलिटी तो ऑब्वियस बात है कंपलसरी हमें पे करनी है तो क्या इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा बिल्कुल मिलेगा हम उसी महीने में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं तो ये इसकी वर्किंग में आपको थोड़ी देर में जब जीएसर थ्री बी प्रिपेयर करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइवलिटी अपनी कैसी वर्किंग के साथ करनी होती है तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इसकी एंट्री की लाइविटी कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसकी लाइवलिटी रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहीं पर पैटर्न दिया हुआ है टैप बटन स्टैट एडजस्टमेंट स्टैट एडजस्टमेंट यानी कि जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है यहां पे आपको सिलेक्ट करना नेचर ऑफ एडजस्टमेंट इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज नेचर शुड बी परचेस अंडर रिवर्स चार्ज सो ये जर्नल एंट्री आपको रिकॉर्ड करनी है ऑप्शन कॉल परचेस अंडर रिवर्स चार्ज सो हम डेबिट करेंगे डेबिट में हमारा होगा इनपुट And S -S because हमें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा एंड क्रेडिट में होगा हमारा आउटपुट सी जी एस टी एन एस जी एस टी दर सी एम तो मैंने यहाँ पे इनपुट सी जी एस टी का लेजर बना रखा है टैक्सेबल सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव एट फाइव जीरो इनपुट सी जी एस टी इनपुट एस जी एस टी फाइव एट फाइव जीरो तो आउटपुट सी जी एस टी सी यहाँ पे आउटपुट सी जी एस टी आउटपुट आई जी एस टी एस जी एस टी ये जो अमाउंट है ये आपका है नॉर्मल लाइबिलिटी बट ये नॉर्मल लाइविटी आप रेज नहीं कर रहे हो ये लाइवलिटी है आपकी दैट इज आर सी एम तो इस लाइबिलिटी को ऑलवेज हमेशा आप सेपरेट ट्रीट करो नॉर्मल लाइबिलिटी के साथ आरसीएम की लाइबिलिटी कभी मिक्स मत करो बिकॉज आर सी एम की लाइबिलिटी हमेशा आपको कंपल्सरी पे करनी ही होगी इवन दो अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है तो भी उस केस में आपको तो आरसीएम पे करना ही है तो इसलिए हम हमेशा यहां पे आउटपुट सी जी एस टी आरसीएम करके लेजर हमेशा नया क्रिएट करते हैं अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी टैक्स रेट शुड बी नाइनटी परसेंट नाइन परसेंट फाइव एट फाइव जीरो सिमिलरली आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम एस जी एस टी आरसीएम सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स ये हो गया हमारा नाइन परसेंट फाइव एट फाइव जीरो बींग्रेटरी एनआईटीसी बुक फॉर द मंथ ऑफ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी तो सी ये हो गया आपकी टोटल लाइब्रेटी आपने लाइब्रेटी पूरी बुक कर दी है लाइब्रेटी अभी बैलेंस बचा है कुछ बुक करने के लिए नहीं अब आपको लाइब्रेटी कुछ बुक नहीं करनी इससे क्या हुआ आपकी लाइब्रेटी बुक्स में अराइज हो गई है और साथ साथ में आपके बुक्स में इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपने एड कर लिया अपने आई फिगर में सो so ये एक एंट्री हो गई तो आप जब बाहर जाओगे यहाँ डाउन करो तो अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पे क्या हो गया फिगर जो 11,700 थाउजेंड सेवन हंड्रेड था डेट वॉज इसका लाइब्रेटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने बुक नहीं किया था सो इट वाज शोइंग एज 11,700 नाउ

टैक्स अमाउंट थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी लाइबिलिटी आपने कोई भी रेज नहीं की है तो आपको लाइबिलिटी यहाँ पे रेज करनी होगी सो वॉट यू हैव टू डू जस्ट क्लिक स्टार्ट एडजस्टमेंट सेलेक्ट इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इनपुट लाइबिलिटी माफ कीजिएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड एडिशनल डिटेल शुड बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो यहां पर आपका हो जाएगा डेबिट में इसका आईजीएसटी का इनपुट आपको मिल जाएगा तो आपको एटीन परसेंट वैल्यू एटी सेवन फाइव हंड्रेड आई गेस और अमाउंट कितना था वन एटी सेवन फाइव हंड्रेड इंटू एन परसेंट दर्टी थ्री सेवन फिफ्टी थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी सिमिलर वैसे आउटपुट सी जी एस टी का आरसीएम बनाया था आपको आई जी एस टी का बनाना पड़ेगा आउटपुट आई जी एस टी आरसीएम IGST. तो ये भी आपका हो गया बींग लाइबिलिटी ऑन इंपोर्ट सर्विस विथ आई टी इसकी आईटीसी भी आपने क्लेम कर लिया है सो so अब आप देख सकते हो कि यहां पे इसकी भी लाइबिलिटी आपने क्या कर दी है बुक अब हम जब बाहर जाएंगे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे टैब में तो ये फिगर भी आपका हो गया यहाँ पे जीरो तो ये आपने लाइब्रेटी आपने बुक कर दिए तो लाइब्रेटी बुक करने के बाद क्या होता है यहाँ पे सी फिगर में कोई चेंजेस नहीं आता थ्री पॉइंट वन के टेबल में लाइब्रेटी में कोई फिगर में चेंजेस नहीं आया आपका जो अमाउंट था थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी फाइव एट फाइव जीरो जीरो वो यहाँ पे आपको एज इट इज दिखाई देगा दैट इज जेवी जो आपने रिकॉर्ड किया जनरल वाउचर नंबर वन एंड टू उसके थ्रू आपकी टैक्स लाइब्रेटी रेज हो चुकी है क्योंकि बुक्स में एंट्री रिकॉर्डेड नहीं थी लेकिन रिपोर्ट दिखाता आपको अब नेक्स्ट अगर मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे ये भी चेक करना है कि इनपुट क्रेडिट टू बी बुक ऐसा कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिसका हमने बुक नहीं किया कैसा होता है कि कभी कभी हम आ, रिवर्स चार्ज में, में सिर्फ लाइबिलिटी रेस कर देते हैं जैसे हमने देखो वहां पे ऑप्शन लिया था इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड टैक्स लाइबिलिटी तो कभी कभी आप सिर्फ लाइबिलिटी रेस करते हो इसको इनपुट क्रेडिट बुक करना भूल जाते हो तो ऐसे केस में वो फिगर यहाँ पे दिखाई देगा कि ऐसी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि आपने बुक नहीं किया सिस्टम में तो वो आप बुक कर सकते हो नेक्स्ट अब पार्ट आता है एडवांस रिसीट का एडवांस रिसीट यानी कि ऐसा पैसा जो कि आपके पास आके एडवांस पड़ा हुआ है बट उसकी टैक्स लाइबिलिटी आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की तो आप यहां से जाके उसे वेरीफाई कर सकते हो महाराष्ट्र में एक पार्टी से हैप्पी डे एंटरप्राइजेस से ऑलमोस्ट फिफ्टी थाउजेंड रुपीज प्लस Uh, 4,500 का जीएसटी अमाउंट यानी कि 59,000 रुपीस का amount आपके पास आके पड़ा हुआ है जिसकी आपने tax liability books में record नहीं की है। तो आप यहीं से स्टैट एडजस्टमेंट के थ्रू जाके आप यहाँ पे लाइबिलिटी रेज कर सकते हो जनरल में इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीट डेबिट क्या करना है यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे आपको रेस करनी ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होता है तो ये जो पैसा लाइविटी आप एडवांस पे करते हो इसको सब्सिक्वेंट रिटर्न यानी कि अगले महीने या फिर उसके आने वाले मंथ में आप एडजस्ट कर सकते हो वो लाइवलिटी आपके लिए एक तरह का देखा जाए तो आपने एडवांस पे किया आप कोई भी अगर फंड एडवांस पे करते हो कोई भी लाइबिलिटी आप एडवांस पे कर देते हो तो टाइम के लिए वो क्या बन जाता है आपका करंट असिट बन जाता है तो लेजर होगा टैक्स ऑन एडवांस रिसीट मैं ये डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आप ये जानना चाहते हो कि यहाँ पे ये टैक्स ऑन एडवांस रिसीट डिटेल डेबिट में क्यों जा रहा है इसके लिए आप जीएसटी मैनेजमेंट इन टैली एप पी का कोर्स में ये टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है आप वहां पे समझ सकते हो माफ कीजिएगा ये करंट असेट का पार्ट होगा करंट असेट में दिखाना है करंट असेट यहाँ पे आपका टोटल कितना अमाउंट आएगा 9000 50000 पे 9000 और यहाँ पर आपका आउटपुट सीजीएसटी 9% टैक्सेबल फिगर 50000 टैक्स अमाउंट आउटपुट सीजीएसटी ये आरसीएम की लायबिलिटी नहीं है ये नॉर्मल लायबिलिटी है जो कि आपको एडवांस पे कर पे करनी है पार्टी नेम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो दैट इज हैप्पी डे एंटरप्राइजेस पार्टी टाइप रेगुलर नॉट एप्लीकेबल आपने बीइंग एडवांस रिसीट लाइब्रिटी बुक यह आपने एडवांस टैक्स की लाइब्रिलिटी आपने बुक कर दी है आपके यहाँ पे सी लाइब्रिटी बुक हो चुकी है और लाइबिलिटी बुक करना अभी भी कुछ बचा नहीं है तो अब इस केस में क्या करना है इस केस में होगा क्या इस केस में आपका जो ये बी टू बी अमाउंट में दट इज थ्री पॉइंट वन की टेबल नंबर ए में ये अमाउंट अभी तक इंक्लूडेड नहीं था फिगर इंक्लूडेड नहीं था सी अगर आप देख सकते हो तो थर्टी फोर थाउजेंड एड हो गया है अगर आप इसे ड्रिल डाउन करो तो ये देखो यहाँ पेब्रिटी रेस की है वो यहाँ पे एडिशनल लाइब्रिटी के तौर पे ऐड हो हो जाती है है तो ये हो चुका है। इसकी लाइबिलिटी ही रेज होगी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट रेज नहीं होगा बिकॉज इसका इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलता है बल्कि ये आपने एडवांस जो टैक्स पे किया है आने वाले सेल्स के टाइम पे जब इसका सेल्स हो जाएगा तो उस लाइब्रिटी से ये एडवांस के अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हो डिटेल में जानने के लिए आप वो कोर्स में अगर आपने एनरोलमेंट किया तो वहां पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि हमने एडवांस टैक्स क्यों रेस किया ओके okay, सो so ये अब इसको स्क्रॉल डाउन करो तो अब आपने सारे के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट इसमें सब कवर कर लिए हैं तो अब हम बात करते हैं अच्छा अब यहाँ पे अमाउंट अनएडजस्टेड अगेंस्ट एडवांस अब यहाँ पे एडवांस रिसीव ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्यों दिखा रहा है फिगर हमें तो एक ही एडवांस आया है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड तो ये अमाउंट मिसमैच में जा रहा है तो ये मिसमैच में क्यों जा रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं एडवांस रिसिप्ट की एंट्री ओपन कर सकते हो आप अमाउंट आपको आया है फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है फिफ्टी नाइन थाउजेंड तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है कि फिफ्टी नाइन थाउजेंड आया तो पैसा यहाँ पे फिफ्टी नाइन थाउजेंड लेना था तो यूजर से यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो अमाउंट आया कुछ और बाहर बैंक अकाउंट में और यहाँ पे जो फिगर डालना होता है यहाँ पे कुछ और डाल दिया जो कि गलत था तो मैं ये करेक्ट कर देता हूँ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं हो सकती है तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी एंट्री आपकी प्रॉपर होनी चाहिए अब आपका देखो ये आपका पूरा का पूरा अमाउंट हो चुका है मिसमैच में आपका कुछ भी बचा नहीं है पूरी तरह से आपका अमाउंट एडजस्ट हो चुका है अनएडजस्टेड एडवांस का मतलब ये हो गया कि ये फिगर अभी तक पैसा आके पड़ा हुआ है इसका अमाउंट एडवांस में आके आपके पास पड़ा हुआ है लेकिन इसका सेल्स बिल अभी तक आपने रेज नहीं किया है रेज नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है ये आपका एडवांस अभी भी अनएडजस्टेड में पड़ा हुआ है वो सब्सिक्वेंट रिटर्न में जब आप सेल्स बिल रेज करोगे तो वहां पे उसको एडजस्ट कर सकते हो तो ये हो गया आपका सारी फिगर यहाँ पे एडजस्ट अब आपका यहाँ पे टोटल एडवांस अमाउंट आ गया फिफ्टी नाइन थाउजेंड का अनएडजस्टेड अमाउंट है जो कि अभी तक आपने सेल बिल रेज नहीं किया फाइन बाकी अगर इसी तरह से पेमेंट होता है एडवांस पेमेंट हालांकि एडवांस पेमेंट के केस में अभी हालांकिबल नहीं है अगर आपने पेमेंट किया है तो वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा उसी तरह से आपको लाइबिलिटी रेज करनी पड़ेगी नाउ वी आर रेडी टू मूव अब हम लोग रेडी हैं डेटा फाइल करने के लिए तो डेटा फाइल करने के लिए मैं इसको डिटेल जो मैंने फॉर्मेट किया मैं इसको शॉर्ट फॉर्मेट में करता हूँ ये आपका थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू टेबल नंबर फोर सारी एंट्रीज रिकॉर्डेड तो सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हमने क्या क्या किया हमने किया अपना सारी एंट्री चेक हमें अगर कोई हमारी लाइबिलिटी रेस करना बाकी रह गई थी वो भी रिकॉर्ड कर लिया एंट्रीज में कुछ मिस्टेक्स थी वो भी सही कर लिया नाउ वी आर रेडी अब हम फाइलिंग करने कैसे जाएंगे इस रिटर्न को फाइलिंग करने के दो तरीके हैं या तो आप मैनुअल वे से फाइल कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहां से टैली से जेसॉन फाइल जनरेट करके रिटर्न फाइल कर सकते हो बट यहाँ पे एक छोटी सी गलती होती है लोगों से अगर आप अपनी कंपनी का खुद डेटा रिटर्न फाइल करते हो आप अपनी कंपनी का खुद रिटर्न फाइल करते हो या फिर आपके टैक्स कंसल्टेंट आपके चार्ट अकाउंटेंट आपके प्रैक्टिसनर अगर वो डेटा फाइलिंग करते हैं तो ऐसे में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी डेटा रिटर्न फाइल करे बट हर एक रिटर्न का बैकअप आपके पास अवेलेबल होना चाहिए हर एक रिटर्न का बैकअप यानी कि उस महीने आपने क्या रिटर्न फाइल किया था कौन सा डेटा दिया था वो डेटा कहाँ से डिराइव हुआ था उसका एक एक बैकअप आपके पास होना चाहिए तो इसीलिए जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम सबसे पहले इसकी वर्किंग रेडी करते हैं विद बैकअप। तो हम डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे रिटर्न में उससे पहले इसकी वर्किंग विद बैकअप कैसे करना है वो देखेंगे वर्किंग ऑफ जीएसटीआर थ्री बी जहां से हमें यह पता चलेगा हमें टैक्स लाइबिलिटी भरनी कितनी है हमें कितना टैक्स पे करना है ये पता चलने वाला है फाइन तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे रिटर्न फाइलिंग करने से पहले एंट्रीज हो गई अब हम इसको क्या करेंगे डिटेल uh, फॉर्मेट कर लेते हैं अच्छा मैं आपको उससे पहले एक चीज दिखाते चलो ये आपका जो व्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है ये रिटर्न फॉर्मेट कहलाता है अब इसका आप

सी जी एस सी एस जी एस टी आई जी एस सी या फिर सेल्स एट द रेट टू परसेंट सेल्स एट द रेट फाइव परसेंट ले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपने जो भी जिस हिसाब से रेट सेल किया है वो सारे के सारे रेट वाइज डिटेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं सिमिलर वैसे जीएसटी आर वन में भी आपको रेट वाइज सारे सेल्स मिल जाएंगे सी जीएसटी आर थ्री में आपको परचेस वाइज भी सारे के सारे मिल जाएंगे अब आप, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो ट्वेल्व परसेंट का परचेस कितना एटीन परसेंट का परचेस कितना तो ये हो गया आपका नेचर वाइज और हम वापस आते हैं अपने रिटर्न फॉर्मेट में हमने डिटेल क्लिक कर रखा है हमें इस डेटा को पहले एक्सपोर्ट कर लेना होगा एक्सेल में डिटेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेंगे हम एक्सेल में इसको हमने कर लिया एक्सपोर्ट करंट फॉर्मेट करंट फॉर्मेट में हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर में क्लिक करना है यानी कि हमें लोकेशन डिफाइन करना होगा कि हमें फाइल कहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है तो फाइल एक्सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे फाइल का सेलेक्ट कर लूंगा लोकल ड्राइव में फाइल का लोकेशन मुझे क्या देना है लेट से मैं स्पेसिफाई पाथ कर लेता हूं मैं एक पर्टिकुलर फोल्डर में डेटा को मूव करता हूँ जैसे कि एग्जांपल एक, एक फोल्डर बना दिया मैंने हर महीने का आपके पास फोल्डर होना चाहिए जीएसटीआर थ्री बी वाइज तो मैं यहाँ पे जीएसटीआर थ्री बी वाइज जैसे कि मैं यहाँ पे मंथ वाइज फाइल बना सकता हूँ अप्रैल में जून जुलाई मैं यहाँ पे एक ही मंथ का दिखा रहा हूँ इसलिए मैं फोल्डर मंथ वाइज नहीं बना रहा हूँ बट आप मेक श्योर की वाइज ही बनाओ जीएसटीआर थ्री फाइल का नाम तो आप इसे चाहो तो सिंपल जीएसटीआर थ्री दे सकते हो और ये हो गया आपका कॉन्फिगर डन अब आप इसको क्या कर दो सेंड यानी कि एक्सपोर्ट हमने ये डेटा को जो रिटर्न फॉर्मेट अवेलेबल है इस डेटा को हमने एज अ बैकअप के तौर पे एक्सपोर्ट किया है एक्सेल में तो वेट करते ये फाइल एक्सपोर्ट हो रही है ये फाइल हो चुकी है एक्सपोर्ट यहाँ पे यस किया मैंने तो ये जो आपका टैली का व्यू था ये सामने सामने यहाँ पे टेबल 3.1, 3.2, ये सारा पॉइंट जैसा टैली में फिगर दिख रहा है बिकॉज ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि हमें जो यहाँ पे टैली में फिगर दिख रहा है उसी का एक हमने एक बैकअप के तौर पे यहाँ पे डेटा रख लिया कल को टैली का ये फिगर चेंज हो सकता है आप चेंज कर सकते हो आपका यूजर चेंज कर सकता है कोई भी चेंज कर सकता है बट रिटर्न फाइलिंग कर रहे हो तो आपके पास एक बैकअप तो होना चाहिए कि ये डेटा हमारा कैसा था

लोकल ड्राइव पे मैंने पाथ दे दिया है और फाइल का नाम हमारा जीएसटीआर थ्री भी था ये हमारा टेबल है वाउचर रजिस्टर इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्फिगर हो गया सेंड अब उसी टेबल में हमने क्या किया सारे के सारे डिटेल यानी कि टेबल वाइज हर एक का हमें वहां पे एक्सपोर्ट कर लेना है जैसे ये जीएसटीआर थ्री भी आ गया तो ये आगे फाइल आपकी ये टैक्सेबल फाइल है ये 3.1 का टैक्सेबल फिगर है तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये ये जो फिगर फिगर आ रहा है 3.1 में आउटवर्ड टैक्सेबल से आ यानी कि ये जो रिटर्न आप मंथ का फाइल कर रहे हो जुलाई का उस जुलाई में टैक्सेबल जो फिगर आया वो चार या पांच यहाँ से एंट्री से आया कल को कोई भी अगर आपसे सवाल करता है कि ये अमाउंट फिगर कहां से डिराइव किया तो आपके पास उसका बैकअप तो हमेशा होना ही चाहिए किसी तरह से जैसे हमने ये जनरेट किया टेबल उसी तरीके से हमें सारे टेबल जनरेट करने पड़ेंगे इवन आउटवर्ड टैक्सेबल के आउटवर्ड नी रिलेटेड के ये रिवर्स चार्ज के भी जनरेट करने पड़ेंगे लेकिन रिवर्स चार्ज का यहां से जनरेट मत करो यहाँ से रिवर्स चार्ज नहीं जनरेट करना है रिवर्स चार्जेस आप सबसे नीचे वाले टैब में चले जाओ आर सी यहाँ पे और रिपोर्ट दोनों को अलग अलग यहां से कर लो ये टेबल आपको डिटेल देगा कि पार्टी का नाम क्या है बिल नंबर क्या है टैक्स अमाउंट क्या है कितनी लाइबिलिटी थी कितना बुक किया, कितना बैलेंस हो गया तो यहां से पाथ मैं मैं. मैंने डिफॉल्ट डिटेल मतलब डिफॉल्ट डिफाइन नहीं किया हुआ है अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा तो ये आपका हो गया अब इसको करना है आपको सेंड ओके okay, ये फेल्ड इसलिए हुआ बिकॉज मैंने एक्सेल यहाँ पे ऑन कर रखा था मैंने इसको बंद कर दिया मैं वापस से कॉन्फ़िगर करता हूं लोकल ड्राइव लोकल पाथ स्पेसिफाई पाथ पेस्ट फोल्डर फाइल नेम जीएसटी स्पेसिफाई थ्री बी पाथ जीएसटीआर आर थ्री बी यहां से हमें करना है सेंड तो ये हो गया रिवर्स चार्ज का तो हर एक टेबल को जैसे आपके पास जितने भी टेबल डिटेल है हर एक टेबल को आपको वहां पे एक्सपोर्ट करनी है तो ये देखो जीएसटीआर मेन समरी टैक्सेबल ये आपका आ गया रिवर्स चार्ज ये आ गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसी तरीके से आपको हर एक टेबल में फिलअप करना है तो चलिए इसे काम करते हैं सारा का सारा टेबल पहले हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं तो ये सारे टेबल्स जो थे टैली प्राइम के डेटा में ये सारे टेबल्स हमने यहाँ पे चाहे वो आई टी सी से रिलेटेड हो चाहे वो लाइबिलिटी से रिलेटेड हो जहाँ पे भी सारे के सारे टैक्सेस अप्लीकेबल थे वो हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिए हैं तो आपको सारे के सारे वर्किंग के साथ जैसे जी एस आर थ्री भी ये मेन डेटा आपका समरी जो जी एस आर थ्री भी दिख रहा है आपको ये टैक्सेबल आपका ये टैक्सेबल डेटा आ गया यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है ये नॉर्मल आर सी एम इम्पोर्ट आर सी एम एक्सपोर्ट के टैक्सेबल कितने हैं टैक्स अमाउंट कितना है कितना सेल किया आपने नॉर्मल आईटीसी जो कि अदर देन आरसीएम है ये सारी टेबल आपको एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको वर्किंग करनी है आपकी लाइबिलिटी की वर्किंग अब आपको लाइबिलिटी की वर्किंग कैसे करनी है वो देखते हैं हम तो इसी एक्सेल फाइल में हमने एक एडिशनल सीट में यहाँ पे लाइबिलिटी वर्किंग का फॉर्मेट डिजाइन कर रखा है फॉर्मेट आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हो सिंपल एक फॉर्मेट आउटवर्ड

तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे टैक्सेबल जो सप्लाई है इसका हम लिंक दे देंगे कि टैक्सेबल सप्लाई जो हमारा है वो है टैक्सेबल सप्लाई का टैक्सेबल अमाउंट फोर्टी सेवन फोर फाइव हंड्रेड ये अमाउंट यहां पर आ गया इस केस में अगर आई जी एस टी है तो आपको यहाँ पे सारा लिंक दे देना है कि आई जी एस टी का फिगर इतना था सीजीएसटी का फिगर हमें दे, दे देना है यहाँ पे थर्टी फोर टू हंड्रेड और ऑब्वियस बात है जितना सी जी एस टी उतना ही आपका एसजीएसटी तो टोटल अमाउंट आपका बन जाता है दैट इज टैक्स अमाउंट एटी फाइव फोर वन जीरो इन केस ऑफ टैक्सेबल एक्सपोर्ट केस में आपका जो अमाउंट है एक्सपोर्ट यहां पे टैक्सेबल फिगर ट्वेंटी थ्री वन सेवन हंड्रेड कितना था एक्सपोर्ट के केस में थ्री जीरो सिक्स नाइन जीरो और यहां पे तो ऑब्वियस बात है सीजीएसटी एसजीएसटी तो हो ही नहीं सकता है तो अब यहां पे हमने आउटवर्ड सप्लाई की बात की हमने यहां पे आरसीएम की लाइबिलिटी को एड ही नहीं किया है यहां की लाइबिलिटी को कैसे ट्रीट करना है वो हम लेटर ऑन कवर करेंगे यहां पे आपको सप्लाई है थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड यहाँ पे कोई जीएसटी फिगर नहीं है तो ये आपका टोटल बन जाता है टैक्स अमाउंट ये आपका टोटल आ गया आरसीएम

इसमें आपका ये आर सी एम की भी आई टी सी एड होती है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस की भी आई टी सी एड होती है तो यहां पे हमेशा क्या करना आपको नॉर्मल आई टी सी यानी कि टू जीरो वन हंड्रेड ये आपका नॉर्मल आई टी सी हो गया माफ कीजिएगा टैक्सेबल फिगर यहां पे नहीं आएगा आपका सी जी एस टी की फिगर में नॉर्मल आई टी सी आर थ्री बी में टू जीरो वन हंड्रेड जितना ही आपका एस जी एस टी होगा आई अगर नॉर्मल आई के केस में दिया हुआ है तो यस yes, ये है आपका 5400 अब यहां पर आता है इंपोर्ट आर इंपोर्ट एम में आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो यहां पे दोनों फिगर ऐड होकर आएगा जीएसटी आर थ्री बी में इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये दोनों फिगर आपका आई में ऐड हो जाता है और यहाँ पे इंपोर्ट के केस में सी जी होगा आपका जीरो आर सी यानी कि नॉर्मल आर तो जीएसटी आर थ्री में ये रहा आपका नॉर्मल आर सी फोर का टेबल नंबर थ्री इनवर्ड लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज मैके सी जी एस होगा माफ कीजिएगा यहाँ पे सी जी के टेबल में होना चाहिए इसको डिलीट करते हैं सी जी के फिगर में यहाँ पे फाइव एट फाइव जीरो यहाँ पर उतना ही अमाउंट होगा आपका अगर किसी तरह कोई ओपनिंग बैलेंस में आई है तो एंटर कर सकते हो अगर नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं तो इनपुट टैक्स में हमने आरसीएम तो डेफिनेटली ऐड किया नॉर्मल आईटीसी तो ऐड किया ही किया लेकिन हम लोगों साथ साथ में आरसीएम भी ऐड कर लिया है तो ये आपका सम, टोटल कर लेते हैं तो अब हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे कि आपकी लैबिलिटी फिगर कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी है तो यहां पर आपको जो आता है ये दिस इज द लाइबिलिटी अदर देन आरसीएम दिस इज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट इज वन अब ऐसे केस में आपकी लाइबिलिटी एक लाख सोलह हजार इनपुट टैक्स है एक चौबीस आठ सौ तो क्या कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करने की जरूरत है सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो नहीं हमें कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है लेकिन ये वर्किंग में आपको दिखाऊं तो जीएसटी आर टू जब हमने रिकंसलेशन देखा था वहीं पे हमने यूटिलिटी टूल भी देख लिया था कि हमें उस यूटिलिटी टूल के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वर्किंग कैसे करनी है तो वो तो आप वहां से रेफर करो ही करो लेकिन मैं आपको उसके अलावा यहां पे एक नॉर्मल वर्किंग भी करके दिखा रहा हूं अब हमें यहाँ पे आरसीएम तो अभी फिलहाल हमें टाइमिंग के लिए एक्सक्लूड ही करना है उसको हम यहाँ पे टच भी नहीं करेंगे अब हम पता करेंगे कि हमारा जो लाइबिलिटी फिगर है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें मोटे मोटे तौर पे तो हमें कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ रही है सिंपल यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे बैलेंसेस की बात करूं तो आईजीएसटी का इनपुट 47 700 सेवन है सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड आपका तो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाएगा यहां पर फिर यही अमाउंट आप यूटिलाइज करोगे यहां पे फिर ये थर्टी फोर टू हंड्रेड में कहने का मतलब वो आपको फॉलो करना है तो अगर आप चाहते हो कि वो यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल करना तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो चलिए काम करते उसी यूटिलिटी टूल को हम ये फिगर वहां पे एंटर करके दिखाते ये आपकी है ये आपका इनपुट अब आपको वहां पे फिगर ये इनपुट करके दिखाते हैं तो ये है हमारी वो यूटिलिटी इस यूटिलिटी में हम आउटपुट फिगर एंड इनपुट फिगर दोनों फिगर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे तो ये एक्सेल को अगर चाहो तो इस फिगर को आप उस एक्सेल में कॉपी कर सकते हो तो ये है हमारा आउटपुट दैट इज फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड थर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड थर्टी फोर टू हंड्रेड थर्टी फोर टू हंड्रेड यहाँ पे भी हम अभी तक आसिम की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हमारा इनपुट है सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड दलूडिंग ओपनिंग बैलेंसेज ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी इनक्लूडेड ओपनिंग एंड तो अब हमें क्या कोई टैक्स लाइबिलिटी पे करने की जरूरत पड़ रही है बिल्कुल नहीं हमारा बिल्कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बच रहा है एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड हमारा यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस बच गया सी यहाँ पे लाइबिलिटी आईजीएसटी में कुछ नहीं है सी जी एस टी में कुछ नहीं है एस जी एस टी में कुछ भी नहीं है तो कहने का मतलब हमारा जो इनपुट टैक्स है मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड का आईटीसी टी बच जाएगा अगर यही फिगर आप यहाँ पे देखना चाहो ये हमारी टोटल ये हमारा आईटीसी तो बैलेंस फिगर देखो आउटपुट माइनस इनपुट फिगर कितना बैलेंस बचा एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड वही एट थाउजेंड से आपके कौन से हेड में बच गया आपके एसडीएसटी के आई टी सी में सिंपल ये आपने वर्किंग देख ली अब आपको करना क्या पोर्टल पे सिंपल जाके ये जो टेबल यहाँ पर ये टेबल है ये टेबल है ये ये इसको मैं हाईलाइट कर देता टेबल जो ब्लू में दिख रहा है आपको यही फिगर वहां पे पोर्टल पे क्या करना होगा अपडेट करना होगा मैनुअली वहां पे फीड करना होगा लो ये फीड कैसे करेंगे मैं अभी लाइव रिटर्न फाइलिंग करूंगा तो वहां पे भी आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा तो ये फिगर हमने यहाँ पे एंटर कर दी अब हमें आरसीएम की लाइबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी तो आपको सिंपल क्या करना है यहां पे जो आरसीएम का टेबल दिख रहा है आई टेबल नंबर आई यहां पे हमें फिगर एड करना है दर इज आरसीएम की लाइबिलिटी कितनी है हमारी आरसीएम की लाइबिलिटी है थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी फाइव एट फाइव जीरो हमारा हो जाएगा थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी फाइव एट फाइव जीरो और ये फाइव एट फाइव जीरो नॉर्मल लाइबिलिटी कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है लेकिन आई में आरसीएम सीजीएसटी में आरसीएम तो तो ये हमें पे पे कंपलसरी करना ही ही है भले हमारे पास इनपुट आर सी एम सी जी एस टी में लेकिन आर सी का इनपुट हम चाहे चाहकर भी इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते बिकॉज आर सी एम आपको कम्पल्सरी पे करना ही होता है तो ये तो फिगर आपने डिराइव कर लिया तो ये वर्किंग आप एज ए अपने तौर पे ये वर्किंग भी आप अपने एज अ बैकअप के तौर पे यहाँ पे जो लाइब्रेटरी की वर्किंग की है आपने ये वर्किंग को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो पूरा का पूरा कर लिया आपने यहाँ पे ऐसा कॉपी कर सकते हो कि ये हमारी वर्किंग रेडी ये हमने वर्किंग कर लिया है कि हमारी लाइब्रेट कैसे डिराइव हुई है हमने यहाँ पे इसकी वर्किंग कर ली हमारा आई टी लेकिन हमें इतने लाइब्रेटरी तो कंपल्सरी पे करना ही है सो इस तरीके से आपका बैकअप रेडी हो गया आपने हर एक बैकअप का टेबल एक्सट्रैक्ट कर लिया है अब आपने क्या किया उसके साथ साथ में लाइबिलिटी कितनी भरनी है वो भी आपने डिराइव कर लिया है तो ये जाके होता है आपका स्टेप नंबर टू क्लोज स्टेप नंबर टू क्लोज होने के बाद अब हम मूव करेंगे एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग तो ये हमारा सारा का सारा अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर आप अपना डेटा रिटर्न फाइलिंग खुद करते हो तो आप, आप खुद फाइलिंग आगे कर सकते हो अगर फाइलिंग खुद नहीं करते हो आपके टैक्स प्रैक्टिशनर करते ये चीजें करते तो अगर इतना डिटेल आपने अपने टैक्स प्रैक्टिशनर को बना के दे दिया तो दे विल बी काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट अरे यस ही कैपेबल पर्सन एंड डेफिनेटली वो कर सकता है इससे आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी कि यस yes, मैं कर सकता हूँ उसी तरीके से आपके सी ए आपके, आपके रिलाई करेंगे कि इस परसन, इस में, में एक बनी रहेगी वो आपके रिलाई करेंगे कि आप जो भी डेटा दे रहे हो प्रॉपर दे रहे हो सो ही विल बी हैप्पी कि हाँ समन इज देयर कि डेटा बना के दे रहे उन्हें उतनी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी आगे चल के सो so, डन अब हम मूव करते हैं फाइलिंग की तरफ। हमारा हमने इसको या तो को दिया या दो तरीके करने के लिए आप इसको एक्सपोर्ट करो में। तो काम करते, इसको करते हैं e -written, e -written पे क्लिक किया तो मुझे एक्सेल या तो जैसोन फाइलिंग एक्सेल तो मैं बोलूंगा मत करो जैसोन से ही करो जेसोन फाइलिंग मुझे एक्सपोर्ट करने का लोकेशन चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट कहां पे करना चाहता हूँ इसी फाइल फोल्डर जहाँ पे हमने फाइल बना रखी थी तो यहाँ पे फाइल का मैं लोकेशन दे रहा हूँ हर महीने का जेसोन उसी फोल्डर में सेव करो तो ये आपका से तो सारी चीजें आप इतना ये फोल्डर उठा के आप अपने सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दो कि सर लो ये आपका रेडी है तो यहां से क्या होगा उनको कुछ नहीं करना जस्ट एक वेरीफाई करना ऑल ओके okay, सब कुछ राइट है तो वो डायरेक्टली मूव कर सकते हैं फाइलिंग में अगर आज के दिन में क्या होता है कि आप सिर्फ टैली का डाटा देते हो तो टैली का डाटा में ये जो वर्किंग हमने किया दैट इज वो सारा का सारा चार्टेड अकाउंटेंट को टैक्स प्रैक्टिस खुद करना पड़ता है लेकिन आप चाहो तो खुद भी फाइल कर सकते हो अपनी कंपनी का दिस इज द प्रोसेस टू फाइल एक्यूरेट एंड करेक्ट जीएसटीआर थ्री बी ये चीज मार्केट में और कोई सही तरीके से आपको गाइड नहीं करेगा अगर आप अपनी कंपनी के टैक्स अकाउंटेंट हो अपने वर्किंग प्रोफेशनल हो तो यकीन मानो ये चीजें कोई भी आपको नहीं बताएगा कि ये प्रोसेस के थ्रू तो फाइल करनी होती है यही चीजें हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं अब आपका हो गया ये फाइल रेडी चलते हैं पोर्टल पे पोर्टल पे लॉग करना है तो हमने जीएसटी पोर्टल यहाँ पे लॉग कर लिया है लॉग करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड हमें पर्टिकुलर मंथ फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा जिसका रिटर्न फाइलिंग करना है 2021 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सर्च हम प्रिपेयर देखो दो तरीके से कर सकते हैं जीएसटी आर थ्री भी मैं यहाँ पे मैनुअल फिगर भी पहले एंटर करके दिखाता हूं अगर आप ऑफलाइन के थ्रू करना चाहो तो ऑफलाइन अगर आप मैनुअली प्रिपेयर करना चाहो तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आप जैसा भी बेस्ट चाहो वैसा कर सकते हो

ये जो टेबल दिख रहा है दैट इज टेबल नंबर एंड पॉइंट वन यहाँ पे यानी कि ये टेबल है ये फिगर फोर सेवन फोर फाइव हंड्रेड आपको यहाँ पर जीरो वन जीरो आपको यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हो हालांकि मैं इसको मैनुअली सेव नहीं करूंगा बिकॉज हम जो फॉलो करेंगे वो होगा हमारा प्रोसेस ऑफलाइन टूल के थ्रू तो टैक्सेबल फिगर थर्टी फोर टू हंड्रेडी फोर टू हंड्रेड इज ऑफ आई जीएसटी ये फिगर सेव करने के बाद हमें पे कंफर्म करके सेव कर है सिमिलरली आउटवर्ड एक्सपोर्ट के केस में रिलेटेड के केस में रिवर्स चार्ज के केस में भी आपको यहाँ पे डिटेल अपलोड करना होगा तो चलिए काम करते इसको मैं सेव नहीं करता हूँ ये मैनुअली फिगर अपडेट कर सकते हो जैसे टेबल नंबर थ्री पॉइंट वन सेम टू सेम आपको देखना है टैली में क्या फिगर है टैली में फिगर देख के आपको हर एक टेबल को उसके अकॉर्डिंग फिल करना है सी, टेबल फोर भी पे, इसको मैं चलता हूँ बाहर और मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ ऑफलाइन टूल के थ्रू जो कि हमने जेसॉन फाइल एक्सपोर्ट की है वहां से इंपोर्ट करके दिखाता हूँ जुलाई थ्री बी प्रिपेयर ऑफलाइन प्रिपेयर ऑफलाइन में हमें फाइल सेलेक्ट करनी है फाइल सेलेक्ट करने के बाद यह लोकेशन पूछेगा हमें वो लोकेशन फाइल सेलेक्ट करके फाइल यहां पे अपलोड करनी है पीसी। यहां पर अपनी जेसोन फाइल थ्री बी फोल्डर के अंदर बना रखी है ये इसको मैंने सेलेक्ट किया ओपन किया अपलोड सी किसी तरह का एरर फाइल भी हो सकता है जरूरी नहीं कि जो आपने डेटा दिया वो प्रॉपर तरीके से अपलोड भी हो अगर किसी तरह का इसमें कोई एरर होती है तो यहाँ पे एरर एज अ लिख के आएगा एरर कुड नॉट प्रोसेस बट यहाँ पे डेटा क्या आ गया प्रोसेस अगर प्रोसेस्ड हो गया इसका मतलब सक्सेसफुल डेटा अपलोड हो चुका है अगर यहाँ पे प्रोसेस नहीं आता इसका मतलब यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस आ रहा है या फिर इन प्रोसेस आ रहा है इसका मतलब अभी तक डेटा सिस्टम पे अपलोड नहीं हुआ और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने सेफ्टी के लिए रिफ्रेश किया अगर अब यहाँ पे अगर एरर होता तो यहाँ पे मुझे दिख जाता एरर डाउनलोड फाइल फ्रॉम हो हालांकि ये प्रोसेस हो चुका है किसी तरह का कोई एरर नहीं आया डेट एंड टाइम के साथ कि हमने कब प्रोसेस किया उसका रेफरेंस आईडी अब हमें वेट करना होगा कुछ टाइम के लिए जो भी डेटा हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है वो हमें जीएसटी आर थ्री बी के टैब में जो हमने प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके देखा मैनुअल वे में देखा वो सारे के सारे अब हमें यहाँ से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ देखता हूँ डेटा अपलोड हुआ क्या डेटा अपलोड होने में टाइम लगता है मैं सारे ऑप्शन फॉर टाइमिंग के लिए एजें सेफ्टी के तौर पे यस कर देता हूँ एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या टैब होने चाहिए अभी तक डेटा यहाँ पे अपलोड नहीं हुआ है इसको रिफ्रेश कर सकते हो डेटा अपलोड नहीं हुआ है तो चलिए थोड़े टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं डेटा अपलोड होने का हार्डली दस से पांच मिनट का टाइम लगता है इसमें अपलोड होने में ओके सी डेटा यहाँ पे अब रिफ्लेक्ट हो चुका है जो भी डेटा हमने टैली से एक्सपोर्ट किया इन जेसन उसे इंपोर्ट किया टैली पोर्टल जीएसटी पोर्टल पे तो वो डेटा यहाँ पे कुछ मिनट बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है टेबल नंबर थ्री पॉइंट वन में आप जाके देख सकते हो जो भी आपने टैक्सेबल फिगर एक्सपोर्ट विद जीएसटी रिलेटेड जीएसटीडर जो भी आपकी लैबिलिटी फिगर थी ये टैली से डायरेक्टली जो उस के थ्रू पे अपडेट हो चुकी है आपको जाके इसे वेरीफाई करना है और इसे सेव करना है सिमिलर वे से 3.12 में आपने जो डेटा डिफाइन किया था किस स्टेट में आपने कितना सप्लाई किया है जो कि अनरजिस्टर्ड पार्टी को इसे भी आप जाके कंफर्म कर सकते हैं एंड आईटीसी टेबल में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विस अदर आई हर एक हेड यहाँ पे फिलअप हो जाती है नॉर्मल आरसीएम ये भी यहाँ पे फिल हो गया तो टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका सेवेंटी टू नाइन हंड्रेड आई जी एस टी ट्वेंटी ये टेबल आपका जाके होता है यहाँ पे कंफर्म सो इन केस अगर आपका कुछ ने रिलेटेड अगर आपने अपलोड नहीं किया वो भी यहाँ पे जाके मैनुअली ऐड कर सकते हो लेट फीस है इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे जाके डिक्लेयर कर सकते हो तो ये सारी चीजें कंफर्म करने के बाद आप इसे क्या कर लोगे सेव सेव कर लेते हैं अब हम मूव करते हैं टू मेक पेमेंट प्रोसीड टू मेक पेमेंट तो पेमेंट करने के लिए कितना आएगा हमें हमारे पास कोई कैश लेजर बैलेंस अवेलेबल नहीं है याद रखना यहाँ पे हमारे पास कोई भी कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं है ये हमारी लाइबिलिटी है हमारा दट इज सी यहाँ पे पोर्टल आपको पे करने के लिए बोल रहा है ए टू फाइव जीरो पे करने के लिए बोल रहा है ए टू फाइव जीरो पे करने के लिए दैट इज इन केस ऑफ एस अब ये एस जीएसटी में लाइबिलिटी थर्टी फोर टू हंड्रेड दर देर्टी फोर टू हंड्रेड की लैबिलिटी थी हमने यहाँ पे लैबिलिटी कितने डिफाइन की थी थर्टी फोर टू हंड्रेड उसमें से आई टी सी हमने क्लेम किया ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी तो हमें पे करने के लिए तो कुछ भी आना ही नहीं चाहिए तो पे करने के लिए क्यों बोल रहा है एज पर आर वर्किंग हमने देखा कि हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना बैलेंस बचेगा तो यही चीजें हमने ऑलरेडी के रिकनसेशन वाले वी वीडियो में हमने ऑलरेडी समझा था कि नए रूल के हिसाब से आपको आई का जो सेट ऑफ है वो आपको बाई तौर पर सिस्टम जो है वो पे करने के लिए बताएगा यहाँ पे आपको नॉर्मल लाइबलिटी पे करने के लिए बता रहा है एट टू फाइव जीरो और इस लाइबिलिटी में वो फर्दर आपका आर की लाइबिलिटी भी यहाँ पे एड करते हुए जाएगा तो ऐसे केसेस में अगर आपको हो के तो आपको टैक्स खाली पे करना चाहिए था आरसीएम सी एम का आर सी एम की लाइबिलिटी पे करनी चाहिए वो भी पे करने के लिए बोला है इसीलिए हमने वो यूटिलिटी के थ्रू वर्किंग की और ये जो यहाँ पे टैबर टेबल में अमाउंट फिगर फिल होके आ रहा है दैट इज आप देख सकते हो कि आई बैलेंस आपके पास सी का सिक्सटी बच जाता है और एस जी का कोई बैलेंसेस नहीं बचता है तो ये जो बैलेंसेज बचा हुआ आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हो अगेंस्ट लेटी ऑफ एस जी तो इसीलिए हमने उस यूटिलिटी टूल का इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो फिगर आ रहा है उसको हम जाके क्या करेंगे इसको सी में जो ये आई का अमाउंट है उसे हम जाके मैनुअली चेंज करेंगे तो मैनुअली चेंज करना थोड़ा सा स्ट्रगल है लेकिन हम चेंज करते हैं आई की फिगर में डालेंगे हम लोग एट टू फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी यहां पे हमें एंटर करना है एट टू फाइव जीरो फाइव जीरो और यहां से अमाउंट मैंने निकाल दिया यहां पे अमाउंट डालना है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी इतना अमाउंट यहां पे कर सकते तो देखो दिखेगा आपको ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी ट्वेंटी फाइव नाइन फिफ्टी ये आपका हो गया यहां पर आपको चेंज करना है फिगर यहां पर आपकी अमाउंट रहेगा दैट इज आईजीएसटी में सिक्सटीन नाइन फिफ्टी सिक्सटीन नाइन फिफ्टी यहाँ पे चेंज कर दिया और यहां पे अपने को चेंज करना है सेवनटीन टू फाइव जीरो चीजें हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस की थी तो यहां पे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ये हो गया आपका टेबल पूरा कंप्लीट ये सारे के सारे चीजें यहाँ पे आपकी फिल हो जाती है फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड 8250, टू अब यहाँ पे आपकी लाइब्रेटी कुछ नहीं बनेगी बल्कि सिर्फ आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फाइव जीरो फाइव एट फाइव जीरो का पेमेंट करना है अगर किसी तरह का कोई लेट फीस है तो लेट फीस आपको पे करना है आपको एडिशनल कैश रिक्वायर्ड है थर्टी थ्री सेवन फिफ्टी तो यानी कि कहने का मतलब आरसीएम की लाइब्रेटी तो आपको कंपलसरी पे करनी ही पड़ेगी कंपलसरी पे करनी पड़ेगी बिना आप उसे पे किए हुए आप लाइबिलिटी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो तो ये जो इनपुट अमाउंट आपने यहाँ पे ऐड देखा ये, ये जो फोर्टी सेवन सेवन हंड्रेड प्लस फोर टू फाइव जीरो आईटीसी तो आपने क्लेम कर लिया लेकिन आईटीसी क्लेम करने के बाद आपको लाइबिलिटी तो कंपलसरी पे करनी ही करनी है तो हमने वो लाइबिलिटी भी यहाँ पे पे करके देख ली है 14, 7, तो ये जस्ट मैं एक फिगर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सो so दैट यहाँ पे टोटलिटी जीरो होनी चाहिए यानी कि आप यहाँ पे फिगर जो भी दिख रहा है आप उसे चेंज करो अदरवाइज आपको यहाँ पे टैक्स पे करने के लिए आ जाएगा अब मैं यहाँ पे इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मुझे कंपल्सरी यहाँ पे क्रिएट चालान करना पड़ेगा जब तक मैं क्रिएट चालान नहीं करूंगा तब तक मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता हूँ तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि इतना अमाउंट हम पे नहीं करने वाले हैं चालान पेमेंट किया सी चालान डायरेक्टली आ गया यहाँ से चालान पेमेंट किया वहां से जाके सबमिट कर देना है विथ ओ के साथ फाइल कर देना है तो जाके अपना रिटर्न फाइलिंग जाके कंप्लीट हो जाता है एक बार आपका रिटर्न फाइल हो गया मैं वापस चलता हूं पेमेंट सेक्शन में सॉरी माफ कीजिएगा रिटर्न डैशबोर्ड पे आता हूं यहां से रिटर्न फाइलिंग में चलते हैं वापस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई सर्च करते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन तो आपने जो भी चेंजेस किया था वहां पे टैक्स लाइब्रिटी का अमाउंट वो वापस निकल गया रहेगा आपको प्रोसीड टू पे करना है फिर से आपको देखो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाता होगा नहीं नसीब यहाँ पे आपका बैलेंस अभी पड़ा हुआ है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो यहाँ पे आपको पेमेंट कर दिया सक्सेस कर दिया आपको क्या करना मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर मैं यहाँ पे अगर क्रेडिट क्लिक करता हूं तो नहीं होगा चेंजेस बिकॉज जब तक कि आप कैश पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप जाके सफिशेंटली उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो यानी कि इनपुट माइनस आउटपुट नहीं कर सकते हो एक बार हमारा इनपुट आउटपुट हो गया तो सेट ऑफ हो गया इसका मतलब हमारा रिटर्न सबमिट हो गया सबमिट होने के बाद हमें सिर्फ क्लिक करना है प्रोसीड टू फाइल विथ ओ टीपी विथ डिजिटल सिग्नेचर रिटर्न फाइल सक्सेसफुली डन एक बार आपका रिटर्न फाइल हो जाता है तो ऑन द स्पॉट आप आके यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस चेक कर सकते हो यहाँ पे कितना क्रेडिट बैलेंस बचेगा आपके बुक्स में? आपके बुक्स बुक्स में में क्रेडिट बैलेंस बचेगा एट सेवन डबल जीरो दिख रहा है यहाँ पे यही बैलेंस आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस इनपुट को आप यूटिलाइज कर सकते हो आने वाले रिटर्न में तो इस ITC को आप पे यूज कर सकते हो ये एसडीएसटी का आई आप एसडीएसटी की लैबिलिटी से यूज कर सकते हो या फिर आई की लाइबिलिटी से सीजीएसटी से कभी यूटिलाईज नहीं कर सकते आप इसका तो दिस इज द प्रोसेस टू फाइल योर जीएसटीआर रिटर्न यहां पे जाके वो होता है ये अपना टॉपिक कंप्लीट सो आई होप यू आर क्लियर की रिटर्न फाइलिंग करने के टाइम हमें डेटा कैसे प्रिपेयर करना है उसका बैकअप रेडी कैसे करना है उसकी लैबिलिटी कैसे वर्किंग करनी है ये लैबिलिटी वर्किंग आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो ये यूटिलिटी टूल तो डेफिनेटली आप डाउनलोड सेक्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो ये यूटिलिटी फ्री है लेकिन रिक्वेस्ट है कि यूटिलिटी आप किसी और को शेयर ना करें या फिर शेयर करें तो विदाउट कंसिडरेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ यूजिंग देयर नेम आप अपना नाम या फिर अपना रॉयल्टी के तौर पे वहां पे कोई चार्ज नहीं कीजिए उनसे लेकिन आप उनसे शेयर कर सकते हैं लेकिन याद रखना है कि इसकी रॉयल्टी पूरी की पूरी हमारी है यानी कि इस सारा का सारा क्रेडिट हमारा बनता है लेकिन हम आपको इसको यूज करने के तौर पर दे सकते हैं सो यस अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा ये जो थ्री बी के वैल्यू है वो जीएसटी आर वन की लैबिलिटी से हमेशा मैच होनी चाहिए अगर ये मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपने ये रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की है तो एक रिविजन के तौर पर जीएसटी आर थ्री बी प्रिपेर कैसे करना है फाइलिंग कैसे करनी है डेटा रेडी कैसे करना है एक बार डेटा हो गया रेडी हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग उसका सबसेक्वेंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं यानी अगर यहाँ पे ज्यादा टैक्स ले लिया था वहां पे हम अगले महीने उसको कम कर सकते हैं उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं बट श्योर sure कि आप जो भी रिटर्न फाइलिंग करते हो वो एक्यूरेट हो और वो रिटर्न फाइलिंग वन से मैच हो और जीएसटी होगा जीएसटी पॉपुलेट होकर आती है आप जो भी जीएसटी आर वन फाइल करते हो जो भी जीएसटी आर थ्री भी फाइल करते हो आप जीएसटी आर नाइन के टेबल में देखना कि वहां पे कैसे डेटा आपने जो भी फाइल किया वहां पे ऑटो पॉपुलेट होकर आता है और ये फिगर आपको उसके साथ रिकनसाइल करनी पड़ती है

Anytime. Thank you. See you in the next video.